Hello guys, welcome to my YouTube channel Bright English Institute. Today I am teaching you present continuous. जैसे कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ present indefinite, उसके एक यूज बचा हुआ है never वाला, एक यूज और बचा हुआ है, यदि जरूरत हो तो बना दूंगा, उसको भी बना दूंगा मैं. और अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं present continuous. वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. और आप ऐसी और वीडियो पाने के लिए, और यदि किसी भी टॉपिक में आपको और भी वो है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको और वीडियो बना के दूंगा. चलो आप चलते हैं एक टेंस की ओर. प्रेजेंट, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे थे और टेंस पहले कंप्लीट कर दें उसके बाद हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे. मैं चाहता हूं कि आप हर एक चीज पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट करें. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो वर्तमान समय हो. अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? जो काम लगातार चले, जो काम लगातार हो उसे कॉन्टिन्यूस बोलते हैं. यदि कोई भी काम लगातार हो रहा है उसे हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, लेकिन वर्तमान समय में होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट में होना चाहिए. सबसे पहले मैं बात करता हूं इसके आइडेंटिफिकेशन की बात. अब आइडेंटिफिकेशन बहुत से लोगों को पता होगी कि क्या होती है, लेकिन इसके अलावा और भी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा जो शायद आप लोगों को, बहुत से लोगों को नहीं पता होती है कि और क्या हो सकती है. देखते हैं. आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान होती है. जैसे कि हम पहले वीडियो में देख चुके हैं आइडेंटिफिकेशन, इसकी देखें, रहा है, रही है, ये शायद सब कोई जानता है, और रहे है, था है, ये शायद आपके लिए नई होगी, ठी है, ठे है, खड़ा है, री है, रे है, मतलब पी है, जैसे वो छिपी है, मतलब इस प्रकार वह खड़ा हुआ है और बैठा हुआ है, मतलब कोई भी काम आपका लगातार चल रहा है या कॉन्टिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आएगा. केवल आइडेंटिफिकेशन रहा, रही, वर्णी रखना है आपको, उसके भाव के अनुसार आपको ये देखना है कौन सा टेंस है. तो ये हमारी आइडेंटिफिकेशन थी. इसके बाद में बात करता हूं हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, जो हमें वक्त को बताती है कि किस समय की बात हो रही है, और ये समय को बताती है किस समय की बात हो रही है. तो इसमें लगाते हैं तीन हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम. इज लगाना है आपको सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, नेम. प्लूरल के लिए आर लगाना है, यू, वी, दे, या जो भी एक से ज्यादा हो. यू को हम सिंगुलर में भी रखते हैं यहां पर, और जहां बात करेंगे नरेशन की बात तो वहां पर आप बताएंगे इसको दोनों प्रकार से रखते हैं. तो देखते हैं. और आई को जो एम है, जो एम आई के लगाते हैं. तो इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं. और इसमें वर्ब की जो है, वर्ब जो आती है हमारी मेन वर्ब, उसमें हम आई एन जी लगाते हैं. इसको जिरंड फॉर्म बोलते हैं. कौन सा फॉर्म बोलते हैं? जिरंड. तो जिरंड फॉर्म होता है ये हमारा आई एन जी वाला. और बाकी जो इसके बनाने के तरीके हैं, बाकी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया क्या सिंपल होता है, क्या नेगेटिव होता है, क्या इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव. आप बाकी जो आपको ये रूल्स देखने हैं कि डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है और सिंगल इंटेरोगेटिव कैसे बनाना है, नेगेटिव, बाकी मैं बता ही दे रहा हूं कैसे बनाना है. बाकी पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हो. देखो हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं. इसकी एग्जाम्पल मीन्स जानते हो, उदाहरण होते हैं. जैसे कि मैं बात करता हूं, वह खाना पका रही है, सी, क्या लगाएंगे? सी. और आप पता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और पूरा सेंटेंस पीछे से बनाएंगे. आप पीछे से सेंटेंस बनाते हो तो आपको बहुत सिंपल हो जाता है, और इसमें 95% बिल्कुल जो आपका सेंटेंस होता है पूरा सही होता है. रहा रही के लिए क्या लगाना है? इज आर एम. और सी है तो सी के लिए क्या लगाएंगे? इज. अब पकाने के होते कुक, तो कुक माने. और वर्ब है ये, वर्ब कहां होती है? सेंटेंस के लास्ट में. और वर्ब में क्या लगाना? आई एन जी, तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग द फूड. तो ये हमारा सिंपल हो गया. कि मैं सिंगल इंटरोगेटिव वाला एक सेंटेंस बनाता हूं. सिंगल इंटरोगेटिव मतलब जिसके
शुरुआत में हिंदी में, मतलब हिंदी की शुरुआत में क्या से चालू होता है, या उनके उत्तर यस या नो से दे सकते हैं। जैसे क्या तुम्हारे पापा या तुम्हारे पिता, क्या तुम्हारे पिता बैठे हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब क्या से चालू होता है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तुम्हारे पिता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज लगाएंगे, इज योर फादर, और ये आ गया, और इसके बाद वर्ब आएगी सिट, सिट का सिटिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इस प्रकार से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जितने भी क्या वाले आएंगे शुरू में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखे दे रहा हूं मैं, तब भी एक उसके लिए सिंटैक्स है हमारा। सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य बनाने का नियम। सब्जेक्ट नॉट होगा तो नॉट लगा देंगे आप, और आप इसके बाद वर्ब लगाएंगे और आईएनजी लगानी है, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद मैं बात करता हूं डबल इंटरोगेटिव की बात। जैसे जैसे बोलते हैं तुम दरवाजे के पीछे क्यों छिपे हो। अब आपने पे पी है का ये आ गया, तो अभी भी देखो कंटिन्यूस में बात हो रही है। इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स मतलब वाक्य बनाने का नियम। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट लगा देंगे, नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं सब्जेक्ट तो होगा ही, कोई दिक्कत नहीं, नॉट होगा लगाएंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। इसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे, और बाद में लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे क्या वाय, क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा वाय, और यू के अनुसार आर लगाएंगे यू, और हाइड मीन्स क्या होता है छिपना, वर्ब आती है इसके बाद तो हाइडिंग हो जाएगी, और के पीछे के लिए बिहाइंड का यूज करते हैं, बिहाइंड द डोर। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा टेंस कंप्लीट कर लिया है, और आपका जो अगला वीडियो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और हम बिल्कुल एक सीरियल्स चलेंगे एक एक करके। और आपको किसी प्रकार से कोई भी डाउट लगता है इसमें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।